हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेज मंचूरियन। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने पत्ता गोभी ले ली है, उसे किसनी से अच्छे से कीस लेना है और उसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च और गाजर। आपको जो वेजीज पसंद हो वो एक्स्ट्रा के ऊपर से आप मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैदा ले लिया हमने 1 कप और कॉर्नफ्लावर डाल देंगे 2 से 3 टीस्पून। और आप इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक डाल देना। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है मंचूरियन बॉल में। और अब हाथों से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका हल्का सा कड़ा डो बना के रेडी कर लेंगे। बिल्कुल भी पानी मिक्स नहीं करना है, नहीं तो बिल्कुल बॉल नहीं बन पाएंगे। देख सकते हैं आप कि डो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे 5 मिनट रेस्ट करने देंगे और 5 मिनट बाद हाथों से इसके गोल गोल बॉल बना लेंगे। और पैन में तेल गर्म हो चुका है तो एक एक करके सारे बॉल इसमें हम गर्म तेल में छोड़ देंगे। और आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है, नहीं तो बॉल अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इन्हें पूरा क्रिस्पी बनाने के लिए आपको मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप करछी की मदद से बॉल को उलट पलट कर लेंगे ताकि ये सारे साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। अब देखिए कलर चेंज हो चुका है बॉल का, तो इन्हें हम तेल निथारते हुए निकाल लेंगे। और इसी तरीके के सारे बॉल निकाल के एक तरफ रख देंगे। दूसरी तरफ हमने पैन में थोड़ा सा तेल ले लिया है, उसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ अदरक और अब डाल देंगे सारी बड़े बड़े साइज में कटी हुई वेजीज और इन्हें हम गर्म तेल में हल्के से सॉटे कर लेंगे। बिल्कुल भी आपको ये वेजीज को गलाना नहीं है और ये वेजीज को हल्के हल्के से तेल में हमें बिल्कुल क्रिस्पी से सॉटे कर लेना है। देखिए हमने आखिरी में टोमेटो डाला है। अब मिक्स कर देंगे डार्क सोया सॉस 1 से 1.5 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार। और अब डाल देंगे विनेगर 2 टीस्पून। और ये सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब मिक्स हो चुका है तो करीबन 1 ग्लास हम इसमें पानी मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से खटकने देंगे। अब पानी मिक्स करने के बाद हमने दूसरी कटोरी में कॉर्नफ्लोर पानी में अच्छे से घोल लिया था। अब धीरे धीरे करके इस घोल में हमें कॉर्नफ्लोर डालना है और जल्दी जल्दी से चम्मच चलाना है ताकि कोई लम्स ना पड़े। और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर सकते हैं, इससे ग्रेवी काफ़ी अच्छी कलरफुल बनती है। अब डाल देंगे ऊपर से 3 से 4 टीस्पून टोमेटो सॉस। देखिए ग्रेवी काफ़ी अच्छी बन के रेडी हो चुकी है। तो ऊपर से डाल देंगे सारे मंचूरियन बॉल और गर्म घोल में इसे डाल के हम ऊपर से बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी डाल के इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो बन के रेडी है हमारे आज के वेजीज मंचूरियन। तो आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।